थी। हमने देख लिया अब एनडीए में नीतीश कुमार तो आ गए और हमने देखा है कई बार कि लोकसभा और विधानसभा के जब जब चुनाव हुए हैं और बीजेपी के साथ जब नीतीश कुमार रहे हैं किस तरीके का फायदा आप लोगों को हुआ है, हमने ये सब पहले देखा है, इतिहास गवाह है। लेकिन अब 2024 जब आ रहा है 350 पार का नारा लगा रही है बीजेपी, अमित शाह हो पीएम मोदी हो खुद कह रहे हैं कि 350 पार जाएंगे हम। नीतीश कुमार के आने से क्या अभी आंकड़ा 400 तक जा सकता है? नीतीश कुमार कैसे सहयोग करेंगे लोकसभा चुनाव में? देखिए, जहां तक जेडीयू का विषय है, जेडीयू की और भारतीय जनता पार्टी की केमिस्ट्री बड़ी पुरानी है जी। तो जिला स्तर की जो इकाइयां होती हैं उनमें भी जो कार्यकर्ता है दोनों दलों के वो आपस में उनका समन्वय है, तो एक जो समस्या होती है ना जो कोऑर्डिनेशन की वो हमारे बीच में नहीं होनी है। आपने देखा था कि जब पिछले लोकसभा के चुनाव में एसपी बीएसपी ने गठबंधन किया था तो उनके नेतृत्व में तो कर लिया था लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में गठबंधन नहीं हो पाया था, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया था। लेकिन ये स्थिति बीजेपी और जदयू के बीच में नहीं है तो डेफिनेटली फायदा तो मिलता है। और लेकिन ये चीजों को देखकर, ये कैलकुलेशन देखकर हमने समर्थन नहीं दिया है उनको, हमने ये देखकर दिया है कि जो हालात खराब हो रहे थे बिहार राज्य के उनको कैसे सुधारा जाए, सुशासन कैसे लाया जाए, क्योंकि बिहार जरूरी है। कोऑर्डिनेशन अच्छा था, अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा था तो इतनी बार उनको छोड़ के क्यों जाना पड़ा आपको? देखिए, हमने कभी किसी को नहीं छोड़ा और जब इन दोनों का अर्थात राजद और जदयू का गठबंधन हुआ था उसी दिन मैंने कहा था कि ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं, नीतीश जी ने गलती की थी। लेकिन ठीक है, सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आता है तो उसे भूला नहीं कहा जाता और इस देश में तो ये प्रथा है कि यदि व्यक्ति अपनी गलती को मानता है और उसको सुधारना चाहता है तो उसका सहयोग करना चाहिए। हम सहयोग कर रहे हैं।